गाजीपुर में कोरोना मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों में भय का माहौल बन गया है। शुक्रवार को जिले में 91 कोरोना के मरीज पाए गए। इन मरीजों में एक मौजूदा विधायक भी शामिल है। आइए आपको इन कोरोना मरीजों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। बड़ी खबर यह है कि शुक्रवार को मिले मरीजों में मोहम्मदाबाद विधायक अलका राय भी शामिल हैं। इसके अलावा नंदगंज से 12, पुलिस लाइन सदर से 14, एसपी ऑफिस से 3, भीमापार से 6 मरीज पाए गए हैं। सकरा हुसैनपुर सदर से 1, खालिसपुर से 1, एसपीओ ऑफिस से 1 मरीज पाए गए हैं। आदर्श गांव हुसैनपुर से 1, सदर गाजीपुर से 1, प्रकाश नगर कॉलोनी से 1, कोतवाली से 2 मरीज पाए गए हैं। रजदेपुर से 3, मयरपुरा से 1, हरदासपुर से 1, रसड़ा करंडा से 1, पाली कासिमाबाद से 1, उचौरी कासिमाबाद से 1, उपाधि कासिमाबाद से 1 मरीज पाए गए हैं। नसरुद्दीनपुर से 1, बहादुरगंज से 1, वकीलबाड़ी मोहम्मदाबाद से 3, जमालपुर मोहम्मदाबाद से 1, काजी मोहल्ला मोहम्मदाबाद से 1 मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा मठिया मोहम्मदाबाद से 1, तहसील जमनिया से 4, मलिकपुरा से 1, गुड़ौर से 2, मीरनपुर मणियाडीह से 1 मरीज पाए गए हैं। वहीं नवाबगंज मार्किनगंज से 1, लोचन भावरकोल सुखडेहरा से 1, रामपुर से 1, वर्ल्ड ग्रीन अस्पताल से 1 और गाजीपुर से 1 मरीज पाए गए हैं। आपको बता दें कि गाजीपुर के उद्यान अधिकारी भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। जिले में रोजाना बढ़ रहे मरीजों की संख्या एक चिंता का विषय बन गया है। ऐसे में जरूरी है कि हम सभी अपना ख्याल रखें, बिना जरूरत बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहनें और कोरोना के लक्षण दिखने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करें। गाजीपुर की ऐसी ही हमारी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।